शहर से 15 किलोमीटर दूर गांव हेड़ी में चरित्र शंका में गुस्साए पति ने खेत पर काम कर रही पत्नी पर दराते से हमला कर दिया। ताबड़तोड़ 3-4 वार करने के बाद पत्नी को मरा समझकर वह चप्पल खेत पर ही छोड़कर सीधे थाने पहुंचा। यहां उसने पुलिस से बोला कि मैंने मेरी पत्नी की हत्या कर दी है, मुझे जेल में डाल दो। इधर मंडी पुलिस को हत्या की सूचना लगने पर मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा मौके पर पहुंचे तो पता चला कि महिला जिंदा है और उसे ग्रामीण जन नागदा जन सेवा ले गए। महिला अस्पताल में उपचाररत है। घटना रविवार सुबह 10 बजे की है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार हेड़ी निवासी जगन्नाथ पिता शंकर लाल को पत्नी तेजूबाई उम्र 25 वर्ष के चरित्र पर शंका थी। इसे लेकर वह तेजूबाई पर नजर भी रख रहा था। शनिवार रात जब तेजूबाई लघु शंका के लिए बाहर गई तो जगन्नाथ भी उसके पीछे गया। तेजूबाई बाहर घूमकर ही वापस आ गई, जिससे जगन्नाथ की शंका बढ़ गई कि गांव के ही किसी व्यक्ति के साथ उसके अवैध संबंध हैं। शंका के आधार पर ही रविवार सुबह 10 बजे जब तेजूबाई गाँव से 1 किलोमीटर दूर खेत पर काम कर रही थी तो जगन्नाथ ने पहले उसका गला दबाया, बाद में दराते से कमर पर 3-4 वार किए। इससे तेजूबाई बेहोश हो गई। जगन्नाथ को लगा कि उसकी मौत हो गई। इस पर वह सीधे मेहतपुर थाने जा पहुंचा। वारदात के बाद आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने महिला को तुरंत जन सेवा पहुंचाया, जिससे तेजूबाई की जान बच गई। घटना की जानकारी लगते ही मंडी थाना प्रभारी शर्मा भी मौके पर पहुंचे। यहां से महिला को अस्पताल ले जाने की जानकारी लगी। घटना स्थल का मौका मुआयना करने के बाद पुलिस ने जन सेवा में महिला के बयान दर्ज कर आरोपी पति जगन्नाथ पर जानलेवा हमला करने का प्रकरण दर्ज किया। आरोपी मेहतपुर थाने में था, जिस पर मंडी पुलिस वहां से उसे लेकर आई। बता दे कि जगन्नाथ व उसका परिवार खेतों पर मजदूरी करता है। जगन्नाथ व तेजूबाई की एक बालिका है। आपको किसने मारा? काहे से मारा? दराते से? क्यों मारा? आपकी चरित्र चिंता करते, गलत फहमी होते ही है ना। कितने दराते मारे आपको? किस जगह मारे? कमर पेट में ना। तुम्हें जब दराते मारे थे तो कौन कौन थे वहां पे? दराते मारे तो जेठानी है ना, वो देवरानी भी थी। इन्होंने आपको छुड़ा है ना, आपको गला भी दबा दिया था घर में। किन्ने दबाया था? पति ने गला दबाया था। आप उसके खिलाफ रिपोर्ट करना चाहती हो ना? रिपोर्ट कर रही हो ना? किसके खिलाफ कर रही हो? उसका नाम क्या है? मामले को लेकर मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद शर्मा ने बताया कि चरित्र शंका में महिला पर उसके पति ने दराते से हमला किया था। आरोपी पर जानलेवा हमले में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, ग्राम हेड़ी का एक बेटर आया था, सूचना प्राप्त की थी किसी महिला को मर्डर हो गया, ये सूचना प्राप्त हुई थी। तो हम लोग यहाँ से दल बल के साथ पहुँचे। घटनास्थल पर पहुँचे तो पता चला कि वो महिला घायल अवस्था में ग्रामीण जन उसको इलाज के लिए नागदा दे रहे हैं। इस आधार पर हम लोग यहाँ पे आके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में महिला से बात की थी, तो बताया कि उसके पति द्वारा उसको दराते से वार करते हत्या करने का प्रयास किया गया। तो उस पर 307 का अपराध पंजीकृत कर लिया गया। और ये भी सूचना प्राप्त हुई थी जो आरोपी है इसका पति महतपुर थाने पर पहुंच गया था। सर, घटना कब और कहाँ की घटना है? ये घटना ग्राम हिड़ी की है, करीब 10-10:30 बजे दिन की बात है। जो लोग अपने खेत में फसल काटने गए थे, तो पति पत्नी आपस में विवाद हो गया। सर, किस चीज़ से वार करा पति ने? पत्नी दराते से। कितने वार करे सर?
तीन चार बार किए उसे कमर के पास में और गला दबाने का प्रयास किया। सर उसमें कारण क्या माना जा रहा है? कारण पति द्वारा पत्नी पे शंका की जाती है।